फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये प्यारी सी बास्केट बनाना बताऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पत्तियाँ बनाई हैं। आज मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से मैजिकल रिंग लेंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेने के बाद इस रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्टीन डबल क्रोशिया हमें इस रिंग के अंदर बना लेते हैं और एक हमारा ये 3 चैन का हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 14 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर 14 टोटल डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेने के बाद सेम प्लेस पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और सेम प्लेस पर फिर से 1 क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हम 14 के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस सेकंड रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। हर एक में यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए, थर्ड राउंड में हम 1, 2, 3 बनाने के बाद हम नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में भी एक बार। यहाँ हम हर एक राउंड में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हर एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से मैं 4 रो बनाकर कंप्लीट करूंगी। हर एक में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जितना बड़ा मुझे रखना है उतना बड़ा कंप्लीट कर लेती हूं, उसके बाद दिखाती हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने 4 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। अब देखिए, लास्ट राउंड में हम एक चैन लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो को हर एक में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में गए, सिंगल क्रोशिया किया, इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और अब देखिए, यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 चैन बनाएंगे और इस धागे को हम यहाँ से इतना लंबा कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बनाने के बाद 3 पोर्शन में हम इसको चैन को इसी तरह से 28 चैन 3 जगह बनाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए।
बराबर गैप देंगे हम और एक हम यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से मैं तीनों जगह यहाँ से भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर भी मैं इसी तरह से चैन बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कुछ इस तरह से बन गई है। देखिए अब देखिए जो हम यहाँ पर इसमें लीफ अटैच करेंगे वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। और एक हम यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे 40 चैन लेकर, उसके अंदर 28 डबल क्रोशिया बना देंगे। दो बार हम इस तरह से एक गोल सर्कल बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये पत्तियाँ बनानी बताऊँगी। देखिए इस तरह से मैंने पत्तियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर ले लिया है और यहाँ पर हमने नोक लगा दी। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चैन करेंगे और फर्स्ट वाली चैन के अंदर जाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर टू चैन लेंगे। 1 2 2 चैन लेने के बाद फिर से जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से टू चैन लेंगे और फिर से यहाँ पर सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए इस तरह की शेप आती जा रही है। अब फिर से टू चैन लेंगे और यहाँ पर दो बार लपेटेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर। टू टू लूप निकालेंगे, फिर से टू निकालिए, फिर से टू। देखिए ये इस तरह से बन गया। फिर यहाँ पर टू चैन लेंगे और देखिए यहाँ से ये अगले दो लूप उठाएंगे, जो ऊपर वाले दो लूप हैं इनको उठाएंगे और यहाँ पर पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर से इस तरह से दो बार लूप लेंगे और सेम प्लेस पर देखिए इस तरह से फिर से हम टू टू लूप निकालेंगे। यहाँ से दो हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। देखिए हमारी एक पत्ती की शेप आ गई है इसमें। फिर से यहाँ पर टू चैन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से टू चैन और एक बार फिर से डबल क्रोशिया, फिर से टू चैन, 1 2 टू चैन लेने के बाद फिर से यहीं पर हम डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 4 चैन लेंगे लास्ट में, 1 2 3 4 और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अब देखिए इस तरह से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारी एक पत्ती बन गई। अब देखिए जो हमने ये 4 चैन बनाई है वहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये बीच में स्पेस है 2 चैन का वहाँ फिर से हम 2 डबल सिंगल क्रोशिया
और इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। स्पेस के अंदर हमें टू सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और एक सिंगल क्रोशिया हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। देखिए यहाँ पर बनाया। अब देखिए जहाँ पर हमने ये टू चैन का पर्ल बनाया था वहाँ पर आ गए इस तरह से। देखिए वहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन चैन बनाने के बाद यहाँ से अगले दो लूप उठाकर हम फिर से पर्ल बना देंगे इस तरह से, और फिर से यहाँ पर टू टाइम सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से टू टाइम सिंगल क्रोशिया और जो ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। स्पेस के अंदर टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम इसको लास्ट तक बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से बनाया। फिर टू सिंगल क्रोशिया और जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर फोर चैन बनाई हुई है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम फोर टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री एंड फोर, फोर टाइम हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम फिर से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी एक पत्ती बनकर रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पर हम चैन बनाएंगे, चैन स्पेस हमें बनाना है यहाँ पर 14 चैन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 चैन बनाने के बाद हम फिर से दोबारा इस पत्ती को बनाएंगे और यहाँ से देखिए हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर फिर से हम उसी तरह से पत्ती बनाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पर नीचे बनाई है, फिर टू चैन, फिर से सेम प्लेस पर तीन बार हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है और टू चैन का बीच में स्पेस देना है और टू टाइम हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड पत्ती को बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर थ्री पत्ती, तीन टाइम मैं यहाँ पर पत्तियाँ बनाऊँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीन पत्तियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर 10 चैन बनाई है और इस धागे को मैं थोड़ा सा लंबा कट करूँगी इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी पत्तियों को बनाकर रेडी कर लिया है और जो यहाँ पर मैंने ये बनाया था, ये बास्केट बनाई थी और ये मैंने एक होल गोल रिंग बनाया था, इसमें मैंने 14 डबल क्रोशिया लिए थे और उसके ऊपर ये 28 डबल क्रोशिया हमारे टोटल हो गए थे। हर एक के ऊपर मैंने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए इन सभी को हम इस तरह से लेंगे, बराबर पकड़ेंगे और देखिए क्रोशिया की हेल्प से मैं यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर ऐसे निकाल लूँगी। देखिए इनको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा रखेंगे, धागे को थोड़ा सा लंबा, और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक हम नोट लगा लेंगे।
और नोट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बास्केट में मैंने यहाँ पर कॉटन डाल ली है अच्छे से, देखिए। और कॉटन डालने के बाद जो हमने यहाँ पर ये लगाए हैं इनको हम इस तरह से रखेंगे और नीडल में मैंने इसी कलर का धागा अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे, एक स्टिच हम यहाँ से लेंगे और एक नीचे से और एक ऊपर से, दोनों साइड से हम इसको हम चारों तरफ से सिल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और मेरे पास एक फ्लावर पड़ा था तो मैंने यहाँ पर एक फ्लावर अटैच कर लिया है और देखिए देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हो। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।